अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा जॉइंट व्लॉग होगा जिसका नाम होगा क्या रखेंगे? फैमिली व्लॉग। फैमिली व्लॉग नहीं भाई, अभी नहीं बताना। चलो फिलहाल फैमिली व्लॉग बताएंगे, फैमिली व्लॉग बताएंगे, लेकिन आपके इस हीरो का स्विच ऑफ करेंगे क्योंकि काम मेरा है और एकदम झक्कास इन्फॉर्मेशन है। आप लोग सोच रहे होंगे सामने कोई दुकान लगी हुई है, दुकान बिल्कुल भी नहीं है, एकदम झक्कास इन्फॉर्मेशन है। गाइस, हम लोग पहले जमाने में क्या करते थे, हम लोग नून चाय पीते थे, बहुत इंतजार में रहते थे नून चाय पियेंगे। तो यार आजकल के लोगों का ना वो मतलब नून चाय जू ही बोलते हैं ना तो भागना स्टार्ट करते हैं। उसका रीजन क्या है, एक तो हमें प्योर दूध नहीं मिलता है नून चाय के लिए, और दूसरा हमें जो भी रोटी बाजार से मतलब नानवाई कांदूर से मिलती है तो मजा नहीं, टेस्ट नहीं आता है वो सब। हालांकि वो नानवाई लोग कांदूर लोग क्या करते हैं, वो माही मुबारक में तो बढ़िया रोटी बनाते हैं, उसके बाद वो उनका भी स्विच ऑफ हो जाता है ना। लेकिन दोस्तों, मैं हमारा एक ट्रेडिशन था कश्मीर में, नून चाय मशहूर थी कश्मीर में, जो हम लोगों ने धीरे धीरे उसको मतलब बुला दिया है और घर से निकाल दिया है। लेकिन हम लोग नहीं घर से निकालेंगे, हम लोग आप लोगों को हम लोगों की फेमस है भाई, हम लोग अभी नहीं बताना, अभी भी नहीं बताना। नून चाय फेमस है हमारे घर में, पहले भी मतलब हमारे घर में भी हुआ करता था। जैसे आपका हीरो रेहान अली, ये नून चाय जू ही बोलते थे, रेहान अली चाय पी लो, ये भागना शुरू करता था, नहीं अब चाय बिल्कुल भी मूड नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, हमने लॉकडाउन में बहुत सारे रेसिपीज सीखे हैं, लगभग मेरे ख्याल से 20-30 रेसिपी सीखे हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो किसी को पता नहीं होगी, जो किसी ने किया भी नहीं होगा, जो इंटरनेट पे भी नहीं होगी। तो हमने मतलब अपनी एक्सपीरियंस से मतलब बनाया है, क्योंकि बैठे थे हम लोग और रोज वो खिचड़ी वचड़ी बना के रहते थे। तो उसमें से एक खिचड़ी हमने बनाई थी, उसका नाम है, नहीं अभी नहीं बताऊंगा, अभी सीक्रेट है भाई। लेकिन आज हम सीक्रेट का, आज हम सीक्रेट का बटन खोल देते हैं, खोल देंगे। हाँ, आज राज खोल देते हैं क्योंकि आप भी हमारी फैमिली एक हिट दूंगा भाई। नहीं नहीं यार, रुकना यार, स्विच तो बंद किया था आपका। तो आज हम राज खोलेंगे, ये जितने भी यहाँ पे दालें वगैरह मतलब मक्की है, चने की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, राइस है और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। तो दोस्तों, हमने इसका एक मिक्सचर बनाया हुआ है, इसका नाम है सत्तू। सत्तू फाइनली बता दिया यार, ध्यान यार, स्विच ऑफ रखना दो अपना। तो सत्तू है, ये रेसिपी का नाम सत्तू है, एकदम झकास एकदम बनाओगे ना एक बार यार, कम से कम दुआएं तो अपने भाई को दे ही दोगे, अपने भाई को तो दुआ दे ही दोगे। एकदम जकास वाली क्वालिटी वाला सत्तू बनता है, सत्तू ही नहीं बनता है, मल्टी विटामिन का भंडार बनता है, एकदम मल्टी विटामिन क्वेश्चन है, सुना आसान से है, और दुआ दाओ आया सब भाग जाएगा, क्योंकि एकदम जकास रेहान को देगा एकदम। तो दोस्तों क्या करना है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, आप लोग बोलोगे भाई ये झंझट है महंगा है, नहीं, आज हर एक के घर में मिक्सी होता है, 50 रुपए की ये दाल, ये 50-50-50 करके 200-300 रुपए का सामान है, थोड़ा 100 रुपए का ड्राई फ्रूट डाल दिया। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 200-400 रुपए का मिक्सर बन गया, ये बन जाएगा कम से कम 2 महीने के लिए। तो पहले हमारे जमाने में वो करते थे ना, चक्की पीसते थे, वो चक्की पे वो बनाते थे, लेकिन हाँ जी हाँ यार वो तो मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों पहले हमारे जमाने में वो चक्की हुआ करती थी, वो काफी सारा झंझट हुआ करता था, लेकिन आज के जमाने में वो चक्की चली गई है, हमारा मिक्सी आ गई है जो कि एकदम तुरंत चक्कास स्टेटवार में काम करती है। तो दोस्तों क्या करना होता है, पहले इन चीजों को रोस्ट करना होता है, पूरे जैसे दाल है, राइस है, मक्की है, इन सब चीजों को पहले रोस्ट करना होता है। तो रोस्ट करके इनको मिक्सी में डालना होता है, जैसे हम आप लोगों को थोड़ा दिखा देते हैं, फर्स्ट हो गया ये दाल, ये हो गया मक्की, ये हो गया ये वाला दाल, ये हो गया ये वाला दाल, ये वाला हो गया ये वाला दाल, ये वाला हो गया ये वाला दाल, ये वाला दाल थोड़ी ना, ये राइस डाल दिया भाई, और थोड़ा सा ये और डाल दिया। उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा अखरोट और काजू और थोड़ा सा बादाम डालेंगे, हाँ भाई मेरे बादाम डालेंगे, और थोड़ा सा नारियल डालेंगे, कोकोनट डालेंगे, उसके बाद चलो इसमें ये थोड़ा वो डालेंगे, नहीं यार ठीक है यहाँ तक ठीक है। इसके बाद इसको मिक्सी में डाल के ना,
30 सेकंड में तो यार खोल दो बटन खोल दो, ये 30 सेकंड में आपका शुद्ध हो गया कंप्लीट 30 सेकंड में। और अभी कैसा लगेगा यार, अभी कंप्लीट तो करने दो मेरे भाई, अभी पूरा कंप्लीट करने दो। देखो गाइस क्या होता है, इसमें जो भी हम ड्राई फ्रूट डालते हैं ये थोड़ा ऑयली भी बन जाता है, और जैसे इसमें घी डाली होती है एकदम बिल्कुल ऑयली बन जाते हैं। और इसमें आप मतलब फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपका ये जो रेसिपी है ये कम से कम आपको महीने भर चलेगा। अगर 5-6 मतलब ये होंगे सदस्य घर में होंगे तो महीना भर तो आराम से चलेगा। महीना भर तो आप लोग तो 500 रुपए के तो 5 दिन में वो रोटी लाते हैं, फिर कोई खाता भी नहीं है। एक बार ये जरूर ट्राई करके देख लो, उसके बाद भाई कमेंट जरूर कर देना भाई मेरी एक्सपीरियंस कैसी थी। हालांकि ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कोई वो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई साइंसदान हूँ, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रेसिपी ऐसे हैं जो बहुत सारे भाइयों को नहीं पता होगी, हमारे से क्या पता, मतलब हमारा एम मुद्दा यही होता है कि हमारा किसी भाई को इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हाथ लगे, क्या पता है वो बेचारा भी इस तरह की ट्राई करेगा और कम से कम कल कोई दुआई दे देगा, क्योंकि गलत चीज तो है नहीं। एक तो ये पूरा मल्टी विटामिन का एक मिक्सचर बनता है, दूसरा चाय, आप चाय नहीं बोलोगे, आप बोलोगे भाई माछ पी लिया, एकदम एक चम्मच चाय में डालो ना फिर बोलोगे पिया क्या यार, मेरे को मुंह में पानी आ रहा है। सच में तो ये रेहान अली कभी चाय नहीं पिया करता था, ये भाग जाता था जब चाय बनती थी। आजकल नहीं यार, अभी नहीं बनी है, आज जब चाय बन जाती है ना तो ये पीछे दौड़ता है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहो, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करो, जब तक ये हमारा मिक्सचर कंप्लीट होता है तब तक आप प्लीज बने रहो, तो और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तब तक दोस्तों कुछ टाइम के लिए रुक जाओ। तो दोस्तों हमारा मिक्सचर हो गया कंप्लीट, मिक्सचर एकदम ऑयली सा बन गया है, और लास्ट मिक्सचर अभी और है। एक सेकंड मतलब 5 मिनट में सारा मिक्सचर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। इजी, तो ये आपका आइडिया एकदम प्रोटीन से भरा हुआ मिक्सचर। तो इसका पता नहीं, नहीं, नहीं यार बता इसका नाम क्या है, याद नहीं है। इसका नाम होता है सत्तू भाई। आप चलो गाइस आप इसके साथ चाय पहले पियेंगे ना यार, चाय यार मुंह में पानी आ जाता है यार। चलो पहले हम चाय पी के, आप लोग उसे जरूरी इन्फॉर्मेशन और देनी है, लेकिन चाय के साथ चाय की चुस्की लेते लेते है ना, एकदम चाय के साथ आपको मस्त इन्फॉर्मेशन देंगे। पहले अंदर मैडम चाय इतनी पियेंगे, अंदर चलो अंदर पियो, इधर चम चटे चलो। हमारा चाय का सिस्टम हो गया रेडी एकदम, किसके साथ, सत्तू के साथ। तो दोस्तों रुको, आपका बटन कब खुल गया, बटन तो ऑन कर दिया। तो दोस्तों हमारी चाय कंप्लीट रेडी है, और यहाँ पे ना बाजार की ये भी हटा लो, जो वैसे ये घर की रोटी है वो भी ठीक है, चाचोरू जिसके बोलते हैं, थोड़ा सा सूटेबल होते हैं, तो उतना ज्यादा भी तारीफों के काबिल नहीं है, लेकिन जो घर में रोटी बनते हैं वो तो एकदम जकास होती है, और खासकर सत्तू की तो बात ही नहीं है। तो दोस्तों क्या करते हैं, आप लोगों को मतलब हमने किचन में दिखा भी लिया है, तो आप चाय पी लो बेटे, आप चाय पी लो, चाय तो हाँ चाय 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 पहले आपको सत्तू डालते हैं, दो चम्मच डाला यार, एक चम्मच काफी होता आज, वैसे भी हर एक फूड ब्लॉग पे कंजूसी की कुछ नहीं है, चल ये लो थोड़ा और डाल दो, चलो थैंक यू, मैडम आप डाल दो ना यार, थोड़ा सा डाल दिया इसमें, आज ऑलरेडी डाला हुआ है मेरे वाले में भी, तो जब डाला हुआ है तो रहन दो। तो दोस्तों क्या करते हैं, एक प्याला बच गया, वो भैया जी का है, हमारा कैमरा मैन है, हमारा उसको अलग से मैं क्या अपने इंडियन से ट्रीट दूंगा। तो दोस्तों क्या है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमने जो देनी थी आप लोगों को, क्या करते हैं कुछ 2-4-5 दालें हम मिलाते हैं, पहले रोस्ट करते हैं, थोड़ी सी मक्की ले लेते हैं, उसके बाद एक सोयाबीन वो जिसको हम मुठ बोलते हैं, और किस चीज़ का मिक्सचर बनाते थे, और मतलब बाकी ड्राई फ्रूट हो गए हैं, उनको पहले सबको रोस्ट करना होता है, उसके बाद दोस्तों उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट ले लो, जैसे नारियल हो गया, वालनट तो मस्त है भाई, वालनट तो हमारे पास होते हैं, क्योंकि हम वालनट हमारे लगभग हम कश्मीरियों के पास सबके पास होते हैं, बाजार में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों ये चीज आप यार अपने घर से तो इन चीजों को आप लोगों ने बाहर कर दिया, लेकिन बाहर करने वाली चीज नहीं है, एकदम चकास आइटम है।
आप लोग एक बार ट्राई करके देख लो, अगर किसी भाई को मजा नहीं आएगा वो मेरे से पैसे ले लेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, ऑन द कैमरा बोलता हूँ। तो बाकी जिसको यार ज्यादा टेस्ट आया, रेसिपी तो हमारी है ना भाई, दवाई तो हमें ही मिलनी चाहिए ना। बाकी आपका जो चिरकुट वाला दोस्त है, ये आजकल चाय डिमांड पे मतलब 3 बजे से ही बोलते हैं भाई, अबू जी मम्मा जी चाय कब आएगी। पहले ये चाय नहीं पिया करता था, आज के बाद चाय, हाँ तब हमारे पास ये चीजें नहीं थी। लॉकडाउन की बदौलत हमने बहुत सारी रेसिपी सीखी है, रेसिपी का एकदम बड़ा लंबा लिस्ट है, एकदम धीरे धीरे करके, जो आप लोगों को नहीं पता होगा। ये नहीं है कि हमें भी पता था, नहीं भाई सच बोलो नहीं पता होगा, क्योंकि ये रेसिपी ये एक बार ट्राई कर लो, अगर आपको चाय माछ की तरह नहीं लगेगा ना, माछ या शहद, शहद माछ होगा एकदम झक्कास। पहले मैं एक पहले मैं ट्राई करूंगा। जरा भाई जी थोड़ा कैमरा सामने लाओ, होना चढ़ेंगे अभी यार, आप पी लो ना, आपको किसने मना किया? बिस्मिल्लाह तो क्या अंदर से किया भाई, बिस्मिल्लाह तो क्या भाई, चचोर खाना है कि वो हाथ की रोटी। चलो गाइस बिस्मिल्लाह, गाइस ये चीजें यार, ये मैम इनको हटा, देसी रोटी खाया, देसी रोटी और देसी सत्तू एकदम चकास। और इसमें मेन एक चीज मैं बोलूंगा आप लोगों को, इसमें जो चाय में है ना प्योर दूध है, प्योर दूध भाई, दूध वाले नहीं है गुर दूध, उनको भी भाई रिक्वेस्ट करता हूँ यार, मतलब बहुत सारे लोग है ना यार पैसा दे के, खून के पैसा दे के है ना वो दूध ले लेते हैं आप लोगों से, थोड़ा बहुत आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ यार, 2 पैसे महंगा ही दे दो दूध, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आप लोग भी घर से कमाई के लिए निकले हो, लेकिन भाई दूध प्योर दे दो, जैसे हमें मिलता है जिनसे हम दूध लेते हैं, उन्होंने बोला था 2 रुपये दूध का रेट बढ़ाओ, मैंने बोला नहीं 2 रुपये कम है, 5 रुपये बढ़ाओ, जब दूध से ही मिलता है, और उनको साथ में दूध मतलब ऐसे ही नहीं मिलते हैं, साथ में उनको दुआएं भी मिलती हैं। दो सालों से ले रहे हैं ना उनके पास से दूध, एकदम मलाई वाला दूध होता है, एकदम प्योर दूध होता है, मतलब दिल में ठंडक हो जाती है ना चाय पी के, ठंडक मिल रही है। तो दोस्तों हाँ, बीच में मेरे को फोन आ गया है, तो क्या करूं भाई, क्या करूं, सर एक मिनट बिजी हूँ, एक मिनट। तो दोस्तों आप लोग इसको घर में एक बार ट्राई कर लीजिएगा, अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि ये आपका जो भी ये रेसिपी था बिल्कुल एकदम बेकार था, लेकिन अगर अच्छी होगी रेसिपी हमारी तो एकदम कमेंट में थोड़ा सा दुआ, थोड़ा सा कुछ दुआ हुआ अपने छोटे हीरो के लिए, थोड़ी सी दुआई दे देना। लेकिन आप एक बार और ऐड करूँगा, आप लोग जो ये छोटे हीरो का, जो लिटिल हीरो का वीडियो देखते हो, ये थोड़ा बहुत शेयर भी किया करो और फुल मतलब वीडियो देखा करो, क्योंकि आप इसकी हमारे, अब तो आप लोग हमारी फैमिली हो, तो इसका वीडियो शेयर किया करो, लिटिल हीरो ऑफ कश्मीर इसका इंस्टा पे भी पेज है और फेसबुक पे भी पेज है, उसको भी फॉलो किया करो, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं ना उनको फॉलो करना भी नहीं आता है, उनको एक बार मतलब देखना चाहिए फॉलो कैसे करते हैं, हालांकि उनके पास ज़रूर वीडियो जाते हैं लेकिन वो लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको फॉलो करना चाहिए कि ताकि इसको ये छोटे ही आपके हीरो को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ जी बेटे, जब सत्तू के साथ चाय मिलती है पता नहीं मैं ऐसे ऐसे बुकर की तरह खाने लगता हूँ, क्योंकि ओवर कंट्रोल है। कोई नहीं है बेटे, अच्छी चीज है। तो बाकी दोस्तों आप खुश रहो, खुशहाल रहो, हमारी यही दुआ रहती है, आप हमेशा खुश रहो, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, हमारी बस इतनी दुआ रहती है, और जिंदगी के इस राह पे तरक्की करते रहो। तो दोस्तों हमारे को भी दुआओं में याद रखना, अगले बार आप लोगों को और एक बढ़िया रेसिपी के साथ आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।